नमस्कार, मैं दीति फौजल, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी न्यूज। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी बीच पूरे देश में आस्था का माहौल है। वहीं अजमेर के पुष्कर में भी एक ऐसा राम भक्त है जिसने कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद बालू मिट्टी के माध्यम से श्री राम मंदिर की कलाकृति की स्थापना की है। श्री राम भगवान की समर्पित करते हुए उन्होंने ये बड़ा ही सुंदर मंदिर बनाया है। प्रभु राम के भगत अलग अलग अंदाज से इस ऐतिहासिक पल को संजोड़ रहे हैं। वहीं अजमेर के और धार्मिक नगरी पुष्कर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पुष्कर में एक सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने सबसे बड़े राम मंदिर की कलाकृति बनाई है। सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बताया है कि पिछले एक महीने से पहली आकृति बनाने की शुरुआत की गई थी और आज वे आकृति पूरी हो चुकी है। चलिए जानते हैं कि उन्होंने आगे और क्या बताया इस बारे में। मैंने पुष्कर के रेतीले दौरों में श्री राम मंदिर की अभी तक की सबसे बड़ी बालू रेत कलाकृति बनाई है, जिसको देखने के लिए राम भक्त यहाँ पधार रहे हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और इस अवसर पर हम भी 20 जनवरी को विधिवत पूजन अर्चन करके इस मंदिर को दर्शनार्थ रखेंगे, ताकि लोग इस मंदिर की प्रतिकृति का दर्शन करके दर्शन लाभ ले सकें।